हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्राइड वंस। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बैगन का भरता का रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन इसको बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक बैगन लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप थोड़ा मोटा सा बैगन लीजिए। फिर हम दो टमाटर, मीडियम साइज़ का टमाटर काट लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए बारीक कटा प्याज, मिर्च, लहसुन और धनिया का पत्ता। इसके बाद देखिए, मैंने इसे गैस पर एक स्टैंड रखा है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसे बर्नल पर इसे अच्छे से भून लीजिए। देखिए, हम इसे बीच बीच में घुमा घुमा कर अच्छे से चारों तरफ से बिल्कुल सेंक लेंगे, ताकि जो इसका अंदर का कच्चापन है वो बिल्कुल भी हट जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का हल्का सा भुनने लगा है। इसका जो ऊपर का परत है वो अच्छे से जलने लगा है। चलिए, ये हम चाकू से इसे चेक करेंगे, ये बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा मैंने सूखे मसालों में लिया है हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा, थोड़ा सा मैगी मसाला और गरम मसाला। इसके बाद हमने बैगन जो भून कर रखा हुआ था, इसका जो छिलका होता है इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए, ये ठंडा हो चुका है, तो हम धीरे धीरे करके इसका जो जला हुआ पोर्शन है उसे हम अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसका जो ऊपर का परत था उसे बिल्कुल अच्छे से निकाल लिया हुआ है, और इसका ऊपर वाला जो भाग होता है उसे मैं कट कर लूँगी और इसे अलग कर दूँगी। इसके बाद हम इसको स्पून से, या फिर ठंडा होने के बाद हाथ से भी आप इसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर दीजिए। देखिए, इसमें बिल्कुल भी गांठ या फिर कच्चापन नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है गैस के फ्लेम पर। इसको बिल्कुल अच्छे से आप मैश कर लीजिएगा। देखिए, ये मैश हो चुका है। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में लगभग 2 से 3 टीस्पून तेल गरम करेंगे। उसमें डालेंगे हम जीरा। जीरा हमारा जब पॉप हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन का हल्का भुनने के बाद इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, जो मैंने थोड़ी सी लंबे काट कर रखी हुई थी। आप चाहे तो इसे छोटा छोटा भी काट सकते हैं। चलिए अब हम इसे लगभग आधे मिनट तक भुनेंगे। जब हमारा मिर्च भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। देखिए, मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। अब फिर से हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होते तक भूनेंगे। गैस को मैंने अभी मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। आप इसे कंटिन्यूसली भूनते रहिए जब तक हमारा प्याज है वो ब्राउन ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज भुन चुका है। चलिए, मैंने अब इसमें जो टमाटर काट के रखे हुए थे उसे ऐड कर दिया है। अब इससे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक हमारा ये टमाटर जो है वो अच्छे से गल ना जाए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो गैस को हल्का सा हाई फ्लेम पर या फिर मीडियम हाई पर आप रख सकते हैं, और इसे लगातार चलाते हुए हम टमाटर को भुनेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो टमाटर है बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं इसमें। चलिए अब हम इसमें डालेंगे जो हमने सूखा मसाला रखा हुआ था उसे। बस मैंने इसमें से गरम मसाले को इसमें अभी नहीं डाला है, क्योंकि हम उसे लास्ट में यूज़ करते हैं। अब हम इस मसाले को भी बिल्कुल अच्छे से मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर तक, लगभग 1 मिनट तक भूनेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो हमारे टमाटर और जो भी हमने इसमें प्याज डाला हुआ है उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है।
चलिए अब हम इसमें जो हमने मैश किया हुआ बैंगन था उसे इसमें हम डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको आप एकदम अच्छे से मसालों के साथ कोट करिए ताकि जो बैंगन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम इसे थोड़ी देर तक इसी तरीके से भुनेंगे। देखिए हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल जल्दी जल्दी तैयार होने वाला है। अब मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है और इसे फिर से हम मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा नमक का स्वाद है वो भी चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही यम्मी टेस्टी बहुत ही अच्छा डिश है और बहुत ही आसानी से भी बन जाता है। आप इसे टिफ़िन में भी या फिर घर में रोटी के साथ या चावल के साथ आप बिल्कुल खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलिए फ्रेंड्स ये अच्छे से भुन चुका है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। फिर एक मिनट तक लगभग हम इसे चलाते रहेंगे और बिल्कुल ये तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए डालेंगे हरा धनिया और मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है। चलिए अब हम इसमें गर्मा गर्म इसे प्लेट पर निकाल कर सर्व करेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।